देख सकते हैं कैसी दर्द प्रतिबार हो रही है। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं हमारा सब्जी रेडी हो चुका है। हे गाइस गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। गाइस हम भी ठीक हैं। तो देख सकते हैं हमारा पिंकी जी यहाँ पे बर्तन मांज रही है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इधर। तो गाइस आज हमें एक चीज़ खाने के लिए बहुत मन हुआ, वो है जो सिम कहते हैं, हिंदी में सिम कहते हैं, वो फल मैं आपको दिखाता हूँ। उसका जो रेसिपी हम बनाएंगे बहुत देसी स्टाइल से, क्योंकि गाँव में जैसे रसोई करके खाते हैं हम वैसे ही रसोई करके खाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं वो फल आपको मैं दिखाता हूँ। इधर हमारा पिंकी जो यहाँ पे अभी बर्तन मांज रही है, अभी ख़त्म करेगी, उसके बाद हम सब मिलके फल देख सकते हैं। ये वाला फल अच्छे से देखिए, अभी हम इसको इसका छिलका निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सब छिलका निकाल देंगे, उसके बाद इसको अच्छे से धोएंगे। चलिए इसको छिलका निकाल लेते हैं। देख सकते हैं फाइनली सब्जी में काट चुका हूँ। अभी टमाटर में काटूंगा, ठीक है, टमाटर काटूंगा, उसके बाद रसोई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं गाइस हमारा मम्मी जो यहाँ पे एक्चुअली आग जला रही है, पूरा ट्रेडिशनल ट्रिक से देख सकते हैं कैसे आग जला रहे हैं। और क्योंकि मेरा सब्जी अभी बाद में मैं रसोई करूँगा, पहले ये वाला चीज़ देखिए, मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ। देखिए ये जो अरहर कहते हैं इसे, अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे रात को खाने के लिए। ठीक है गाइस फाइनली अभी मैं सब कुछ काट चुका हूँ, टमाटर प्याज व्याज सब काट चुका हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरह दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दो आलू भी मैं यहाँ पे मिक्स किया हूँ, क्योंकि थोड़ा आलू मिक्स करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये रहा टमाटर और प्याज मैं काट चुका हूँ गाइस। ठीक है, देख सकते हैं ये रहा प्याज, ये रहा टमाटर, और इधर देख सकते हैं अरहर यहाँ पे पका रहे हैं, और यहाँ पे चावल के लिए पानी उबला रहा है। ये सब हो जाने के बाद अभी ये सब्जी मैं बनाऊंगा गाइस। ठीक है, प्रतिभा कहीं जा रही थी, खेल के आ रही है अभी। हाय कर दे माँ। हाय हाय उब्बा उब्बा। हाँ तो गाइस चलिए ये सब होने देते हैं, उसके बाद सब्जी बनाते हैं गाइस। तो गाइस चलिए इसको अच्छे से थोड़ा धो लेते हैं। चलिए तो गाइस फाइनली रसोई स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं मैं यहाँ पे कढ़ाई मैं कढ़ाई चढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे बड़ा वाला हांडी है गाइस, तो कढ़ाई कुछ इस तरह यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं हो रहा था, क्योंकि चूल्हा छोटा है ना इसलिए। तो चले यहाँ पे तेल डाल देते हैं गाइस। तेल डाल रहे हैं, आपकी स्वाद के अनुसार ज्यादा भी तेल नहीं डालना है। ठीक है, तो गाइस तेल गर्म हो चुका है, अभी थोड़ा जीरा डाल देते हैं। देख सकते हैं अब इसको अच्छे से थोड़ा भुनेंगे। तो अभी यहाँ पे ये मिर्ची और प्याज डाल देते हैं, अब इसको अच्छे से भुनेंगे। ये प्याज लाल होने तक इसको अच्छे से पकाएंगे तेल पे। ठीक है, अच्छे से फ्राई करेंगे। तो गैस देख सकते हैं प्याज लाल हो चुका है, अभी डालेंगे सब्जी। तो अब इसको अच्छी तरह से इधर उधर करके मिक्स करेंगे। ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं हमारा अरहर यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो चुका है, और हमारा मम्मी जी इधर थोड़ा उसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। देख सकते हैं क्योंकि ऊपर जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे का ऊपर तरफ आएगा, थोड़ा अच्छे से पकेगा गाइस। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है। तो गाइस अभी ढक्कन खोलते हैं, गरम है गाइस, तो अब इसको
यहाँ पे गड्ढा खोदेंगे, ठीक है, एक गड्ढा खोदेंगे। इसके बाद ये रहा कैसे, हमारे टमाटर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, ताकि एक ही बार में टमाटर भी पिघल जाएगा, पक जाएगा, और वो हमारा सीम भी पिक जाएगा, पक जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से इसको ढक देते हैं, देख सकते हैं कैसी इधर प्रतिवार हो रही है। ये वाला गाइस हमारा वो जो ब्रेंडल या पता नहीं कुंडा कहते हैं, उसका जो पत्ता है, साग लेके आए हैं, वो हम सुबह बनाएंगे, ठीक है। हमारा प्रतिभा कूद कूद के रो रहा है। और इधर देखिए हमारे पिंकी जी आ चुकी है, इधर बैठी है। तो अभी पिंकी जी आके यहाँ पे बैठ चुकी है, मैं भी बैठा हूँ क्योंकि उसका काम था खत्म, अभी जा रही है। फिर अभी कम से कम इसको एक 10 मिनट पकने देंगे, उसके बाद वहाँ पे मसाला किसला जो डालना है सब डालेंगे गैस, ठीक है। आपको मैं दिखा दिखा के डालूँ कितना कितना डालना है, क्योंकि स्वाद के अनुसार डालना है गैस, ठीक है। तो गैस देख सकते हैं कुछ इस तरह दिख रहे हैं, देख सकते हैं टमाटर भी पूरा पिघल गया है गैस, देख सकते हैं टमाटर पूरा पक गया है। अभी चलिए यहाँ पे नमक मिर्चा गुंडा सब कुछ डाल देते हैं। तो गैस अभी थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हो गया। तो अभी ये मिर्ची पाउडर है, ठीक है, थोड़ा तीखा के लिए, थोड़ा देख कर डालेगा आपकी हिसाब से आप कितना तीखा खा सकते हैं, ठीक है। और गैस ये नमक, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितना यम्मी लग रहा है गाइस, देखिए। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं हमारा सब्जी रेडी हो चुका है, देखिए कितना यम्मी लग रहा है गाइस, देखिए देखिए। तो गाइस फाइनली हमारा सब्जी रेडी हो चुका है, देख सक जाएगा अभी। चलिए इसको उतार देते हैं। तो चलिए हो गया सब्जी। तो गाइस फाइनली सब्जी खत्म हो चुका है, और देख सकते हैं यहाँ पे चावल के लिए पानी यहाँ पे उबाल रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये रहा हमारा आज का सब्जी, अच्छा है गाइस, ठीक है, टेस्टी है। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि रात हो चुका है और फाइनली अभी घर लोगों सबको खाना परोसना भी है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस, प्लीज ये आज हम जैसे रसोई किया आप भी घर पे से ट्राई कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना, और गाइस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली बार अच्छी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू। Thank you.